भैया जबर है तुम हल्के हो, भैया से जीत नहीं पाओगे। भगवान कहने लगे देख रुक्मणी तू तमाशा। भगवान से कहने लगा रुक्मणी ग्वाला, अभी तक मक्खन मिश्री चुराता रहा और लड़कियां चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया? माखन मिश्री चुराने वाला हमारी बहन रुक्मणी का हरण करके ले जा रहा है, हमसे युद्ध कर, जब युद्ध में हमसे जीत जाएगा तो मेरी बहन को ले जाना, अन्यथा आज मेरे हाथों से तेरी मौत निश्चित है। आज माताओं भगवान के नैया कहने लगे रुकम, अब देखो हम तुम रिश्तेदार हो गए, हम तुम्हारे बहनोई, तुम हमारे साले, और अब ये लड़ाई झंझट शोभा नहीं देगा, इसीलिए अब ये झगड़ा बंद करो, क्योंकि हम तुम्हारे बहनोई है, तुम हमारे साले हो, शोभा नहीं देता है। रुकम कहने लगा जवान संभाल के बोल ग्वाले, तू मेरा बहनोई युद्ध कर। भगवान कहने लगे दिल की तमन्ना पूरी कर लो मेरे दोस्त, दिल में लगी न रह जाए। भगवान रथ से कूद गए, रुकम भी अपने रथ से कूद गया, दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। भगवान के नैया पहले तो खिला दे रहे, उसके बाद रुकम को उछाला, जमीन पर पटक दिया। माता बहनों भाई बंधुओं, भगवान ने पटकने के बाद सीना पर बैठ गए और चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, हे चक्र इस पापी का काम तमाम कर दो। जैसे ही चक्र प्रकट हुआ है उंगली पर, सोई रुक्मणी को कलेजो कांपियो बहनाओ, सोचने लगी अगर भैया को मेरे श्याम ने मार दिया तो मैं अपनी सहेलियों को क्या बताऊंगी, अपने मैया को मुंह कैसे दिखाऊंगी। लोग ये कहेंगे हमारी सहेली हमारी मैया तो ने मारेगी कि अच्छो गोनो ब्याह करो भैया खाइए तो कलंक लग जाएगा। तो रुक्मणी ने दोनों हाथ जोड़े कहा श्याम को मत मारो। माता बहनों भगवान से कहा दंड दे दो, लेकिन
प्राण मत ले, प्राण मत हरो मेरे भैया के। भैया कैसे हुए, लेकिन भैया मेरे लिए प्यारो भैया है। देखिए माताओं, रुकम दुष्ट था, लेकिन रुक्मणी की आत्मा कितनी पवित्र थी, उनके दिल में कितनी दया थी। रुकम को भगवान ने रथ के पीछे बांध दिया। रथ के पीछे जब बांध लिया है, मुंह काला कर दिया। मुंह काला करके माताओं बहनों, दाढ़ी मूछ और सिर को मुड़ा के रुकम अब तो प्यारे सज्जनों पीछे रथ के पीछे बना है, रथ आगे लेके जा रहे हैं। तब तक शिशुपाल ने सुना है कि रुक्मणी को कृष्ण ले गया। शिशुपाल ने फौज सजाई, जिधर भगवान का रथ गया था उसी तरफ चलाया। इधर बलराम ने देखा कि कन्हैया पंडित जी को छोड़ दे, कहो अभी लौट के ना आयो। सो बलराम ने सोचा कन्हैया पर कोई संकट है, अपने आयुध हल मूसल को लिया रथ में रखा, और अपने हथियारों को रथ में रखने के बाद हल मूसल को रख लिया और चलते चले जा रहे हैं। और उसी रास्ता से कन्हैया जा रहे थे, बलराम भैया आ रहे थे। माताओं बहनों भाई बंधु, जैसे ही बलराम को देखो सो कन्हैया रथ के नीचे गुली आई। रुक्मणी से कही, रुक्मणी बलराम भैया आए गए। बलराम भैया शेष अवतारी हैं। क्रोध में बलराम भैया निर्णय गलत लेते हैं, क्योंकि बलराम भैया को क्रोध बहुत आता है। इसीलिए रुक्मणी, बलराम ने सुंदर कन्या देखी, बलराम कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, किसकी लड़की को लेके आया है रे तू? तूने तो यदवंशियों की नाक कटा डाली रे, कहां से ले आया? और पूछ बैठे हैं बलराम, अरे कहां से भगवान। कन्हैया ने रुक्मणी को, रुक्मणी तब मरवे को फिर नहीं बोला। रुक्मणी बोली, नहीं मैं अपने दादा से कैसे बोलूं, वे हमारे जेठ हैं रिश्ते में, और मैं अपने जेठ का आदर करूंगी, मैं उनके सामने नहीं बोल सकती हूँ। कन्हैया कहने लगे, अरे थोड़ी देर के लिए लाज पर्दा अलग हटाए दे। तब मरवे को फिर रही हो, कितना आदर सम्मान करती थी देश की देवियां अपने बड़ों का। रुक्मणी ने कहा, मैं नहीं अपने दादा के सामने घूंघट उखाड़ के बात करूंगी। भगवान बोले, कब पागल है। लेकिन रुक्मणी के कितना रुक्मणी के दिल में आदर था। भगवान बोले, बोले रुक्मणी। सोई रुक्मणी कहने लगी, दादा घूंघट लंबो खेचे, तुम्हारे कन्हैया को दोष सुनाए है, दोस्त तो हमारे है, मैं नहीं चिट्ठिया भेज के बुलाऊ तो तुम्हारे कन्हैया को, मेरे भैया अपने साले के साथ हमारी शादी करना चाहता था, मैंने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हारे कन्हैया के चरणों की दासी बनी। उसी समय भगवान को बल मिला। भगवान बोले, भैया समय भगवान कहने लगे, बलराम भैया जने चिट्ठी भेज के हमें बुलावा तो पंडित के द्वारा, बलराम भैया हमारे कछु दोष ना है। और तब तक शिशुपाल आ गया, कहने लगा, भगोड़ा छछोड़ा लुटेरा, झूठा माखन खाने वाला, ग्वालन के साथ बन बन गाय चराने वाला, आज तूने मेरी प्रिय रुक्मणी का हरण किया है, हम रुक्मणी को नहीं ले जाने देंगे, तुम दोनों भाइयों को एक साथ मारेंगे।
बलराम कहां लगे कन्हैया तू बहू को संभाल, इतने धान हमारे मूसल के लिए तुच्छ हैं, कुछ नहीं। अपने आयुध हल मूसल को लेकर के बलराम बल आज उस पापी शिशुपाल के सामने डट गए। जैसे ही बलराम भैया हल मूसल हल से सर घुमा करके फंसाते हैं, मूसल की ठोंक लगाते हैं, माताओं बहनों युद्ध घमासान हुआ। आरे हल मूसल बल दाऊ लेके और सेना पे पड़े भगवान कन्हैया से कही कन्हैया तुम बहू को ले चलो। शिशुपाल ने देखा है कि प्राण नहीं बचेंगे, रक्त रेजित अपने फौज के जवानों को देख करके शिशुपाल के पैर उखड़ गए, भाग गया। माता बहनों उसी समय रुकम को लेकर के रथ के पीछे बांध करके भगवान चले हैं स्थान लगे। कन्हैया बलराम भैया पीछे देखो। बलराम बोले जो पीछे कौन है? बोले जो रुकम है हमारा उस सालो। तुम्हारा साला है? बोले हाँ। साले को इस तरीके से तुमने बांध कर रखा है कन्हैया, रिश्तेदारों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता? बोले जी आदर यही चाहते थे, भगवान ने कहा है इनको लेके चलो, क्योंकि लोग ये कहेंगे जबरदस्ती रुक्मणी को लेके आए, साले के साथ कन्यादान। माताओं बहनों रुक्मणी को लेके चले हैं रथ के पीछे बांध के।